हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत सुनता चैनल में। आज अपने वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि घर पे हम गोलगप्पे का पानी कैसे बनाते हैं एकदम मार्केट जैसा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम पकी हुई इमली ले लेते हैं, उसे आधा घंटा के लिए हम पानी भिगो देते हैं। इमली को तब तक भिगोना चाहते कि इमली हमारी सॉफ्ट ना हो जाए। जरूरी नहीं कि हमने आधा घंटा बोला, इसलिए आधा घंटा भिगोइए, उतना भिगोइए जितना इमली सॉफ्ट हो जाए। जब इमली हमारी सॉफ्ट हो गई तो इमली के हमने सारे पल्प निकाले, छन्नी से हमने छान लिया कि इमली में सारे कंकड़ वगैरह निकल जाए। या फिर हमने फ्रेश धनिया पत्ती ले ली, कुछ अदरक के टुकड़े जिसके हमने छिलके निकाल लिए, हरी मिर्च है जितना आपको तीखापन पसंद हो, पुदीना का पाउडर है, आप उसकी जगह पुदीना पाउडर ले, पुदीना पत्ती ले सकते हैं। तो चलिए गोलगप्पे का पानी घर पर बनाते हैं। इसके लिए हमने एक मिक्सर जार ले लिया है, जो हमारे पास धनिया पत्ती थी, धनिया पत्ती, लहसुन, धनिया पत्ती, मिर्ची और अदरक को डाल देते हैं। सॉरी, मैंने लहसुन भी बोल दिया, लहसुन नहीं डालना है, सिर्फ मिर्ची और अदरक के टुकड़ों को डालना है। थोड़ा सा हम इसमें पुदीना पाउडर डाल देते हैं। हमने अदरक मिर्ची सारे इकट्ठे डाल दिया है, इसमें हमने पुदीना पाउडर डाल दिया है। आप चाहे तो धनिया को चॉप कर सकते हैं, लेकिन हमने धनिया को चॉप नहीं किया, हमारी धनिया सॉफ्ट थी इसलिए हमने डंठल भी नहीं निकाले। और थोड़ा सा पानी डालकर हमने उसका पेस्ट बना के रेडी कर लीजिए, बाउल में निकाल लिए। या फिर हमने बड़ी साइज का बाउल ले लिया, उसके ऊपर हमने छन्नी रख दिया था, जो हमने पेस्ट पीसा था उसी छन्नी में हमने डाल दिया है। ऐसी चम्मच से सहायता से हमने सारे पेस्ट को छान लिया, जो पेस्ट हमारे नहीं पीसे तो छन्नी में रह गए। छन्नी को हम एक साइड रखते हैं, जो पेस्ट हमने बाउल में निकाला था छान के, उसी पेस्ट में इमली के पल्प को आधा डाल देंगे, आधा बचा लेंगे, क्योंकि हम खट्टा पानी बना रहे हैं, काफ़ी अच्छी लगती है, एकदम मार्केट जैसा बनता है। यहाँ पर हमने जलजीरा का पाउडर ले लिया आधा चम्मच के लगभग, भुना हुआ जीरा है जो आधा चम्मच से भी कम है, भुना हुआ जीरा पाउडर ही डालना है। नमक है, अगर आप पानी बना रहे घर पे तो उसमें काला नमक जरूर डालिएगा। लाल मिर्च का पाउडर है, हरी मिर्च पहले से ही डाल रखी है, इसलिए मिर्च की मात्रा थोड़ा सा ख्याल से रखिए, नहीं काफ़ी तीखी बन जाएगी। अब इन सबको मिक्स कर देते हैं, नमक एक बार टेस्ट कर लीजिएगा, अगर नमक कम लगे तो आप नमक डाल दीजिएगा। हम इसमें पानी डाल देते हैं और अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेंगे, जितना गाढ़ा पतला आपको पसंद है उस हिसाब से कर सकते हैं। तो हमारा खट्टा पानी बन के तैयार, इसे बाउल में निकाल दे रहे हैं। हमने बाउल में निकाल दिया खट्टे पानी को, अब इसके ऊपर हम कुछ बूंदी डाल दे रहे हैं। अगर आपके पास बूंदी नहीं तो कोई बात नहीं, तभी पानी हमारी टेस्टी बनेगी। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस करते हैं, अब हम मीठा पानी बनाना स्टार्ट करते हैं। हमारा खट्टा पानी बनके तैयार हो गया है, तो जो इमली के पल्प बचे तो उसे हम बाउल में डाल देंगे। इमली के पल्प को हम छानेंगे नहीं, क्योंकि इमली को हमने पहले ही छान रखा था पल्प को। अब इसमें हम चीनी डाल देते हैं, आप इसकी जगह पीसी हुई चीनी ले सकते हैं अगर आपको ज़्यादा समय कम है तो, लेकिन हम चीनी डाल के इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, चीनी इमली के इमली में घुल जाए अच्छी आसानी से। तो हम चम्मच से इसे लगातार 5 मिनट लगभग चला देंगे, चीनी आसानी से घुल जाए। तो 5 मिनट लगभग हमने चला दिया है, ये देखिए चीनी लगभग घुल चुकी है, जो चीनी नहीं घुली वो घुल जाएगी धीरे धीरे। अब इसमें हम थोड़ा सा भुना हुआ जीरा पाउडर डाल दे रहे हैं, भुना हुआ जीरा पाउडर डाल रहे हैं, जलजीरा है आधा चम्मच के लगभग, हमने जलजीरा पाउडर ले लिया है। नमक है, जलजीरा में ही नमक होता है, इस चीज़ को हमेशा ख्याल रखें, हमने पहले भी बता दिया था। लाल मिर्च का पाउडर है, अब इन सबको हम मिक्स करें, क्योंकि हम मीठा पानी बना रहे हैं तो थोड़ा इसे मिक्स करने से चीनी की मात्रा थोड़ी सी रहनी चाहिए। अब इसमें हम पानी डाल दें, उतना ही पानी डाला जितना इमली का पेस्ट था, तो हमने उस इमली के पेस्ट के हिसाब से हमने पानी डाल दिया है। अब हमारा मीठा वाला पानी भी बन के तैयार हो गई है, अब इसे हम एक बाउल में निकाल दे रहे हैं। हमने इमली के मीठे पानी को बाउल में निकाल दिया, इसके ऊपर हम बूंदी डाल दे रहे हैं। अब हमारी एकदम मार्केट जैसा हमारे गोलगप्पे का पानी खट्टा और मीठा वाला बन के तैयार है। आप इस पानी को जरूर ट्राई करिएगा, जरूर बनाइएगा, काफ़ी इजी आसानी से बन भी जाती है। अगर आपको हमारे गोलगप्पे के पानी की रेसिपी अच्छी लगी, बताने का तरीका अच्छा लगा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर कर दीजिएगा, लाइक वाले बटन को जरूर क्लिक करिएगा। फर्स्ट बार चैनल पाए हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं एक नई रेसिपी में एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।